हेलो फ्रेंड्स, डेल का लैपटॉप का मदरबोर्ड है, पार्ट नंबर है 13269 सेडार का। काफ़ी फेमस बोर्ड है ये। इसमें जो प्रॉब्लम है कस्टमर एंड से, तो 7 बिप का एरर बताया गया था, बट ये 7 बिप के एरर में नहीं है, ये डेड कंडीशन में है। तो डेड कंडीशन में देखेंगे, मैंने ये इंजेक्ट कर दिया है और इंजेक्ट करते ही देखिए आपका लोड ले रहा है 0.008 mA। तो एक बार ट्रिगर करके देखते हैं, वैसे तो ट्रिगर नहीं हो रहा था ये, एक बार ट्रिगर करते हैं। मल्टीमीटर को बर्जर मोड पे रखेंगे, पॉजिटिव पॉइंट को ग्राउंड करेंगे और ये निगेटिव से इसको टच करेंगे। पिन नंबर 1 होता है इसका, त्रिपंथी का। तो कोई हलचल नहीं है, देख सकते हैं ट्रिगर नहीं हो रहा है ये फ्रेंड। तो ये नॉट ट्रिगर में है, तो एक बार वोल्टेज इसका चेक करेंगे क्या कंडीशन में है ये। यहाँ पे आपका ये कॉइल है 3-5 की, ये 5 वोल्ट की कॉइल है और ये आपका 3 वोल्ट का कॉइल है। इसमें ऑलवेज दिया है 3-5 वोल्ट। तो पावर SRC पे आपका 19 वोल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और एक मॉसफेट ये आपका है, फर्स्ट मॉसफेट है। जब ये 19 वोल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है पावर SRC पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 3-5 भी बन रहा है आपका, 19 वोल्ट भी आपका बन रहा है पावर SRC पे मिल रहा है और इसका फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो वी ये ट्रिगर नहीं हो रहा है डेड कंडीशन में। तो पहले एक बार बायोस करेंगे इसमें, एक बार बायोस करते हैं फिर देखते हैं फ्रेंड क्या क्या कंडीशन है। और शायद ये बोर्ड दिखाए हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि इस पर काम किया गया है इस एरिया में लग रहा है कि वर्क किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बायोस करेंगे, क्योंकि अगर कोई किया भी होगा तो ओके बायोस है, ये कंफर्म नहीं है। तो एक बार बायोस करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या इश्यू है। तो प्रोग्राम करेंगे बायोस को इससे RT809 F, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बने रहिए आप लोग वीडियो में। बायोस प्रोग्राम हो गया है और मैं ये बायोस लगा दिया प्रोग्राम करके, बार अच्छे से बैठा लूँ इसको। बायोस इसका मिल जाता है, सॉफ्टवेयर मिल जाता है आपको, ऑनलाइन मिल जाएगा, ऑनलाइन बायोस डाउनलोड कर सकते हैं बिना फिक्स से। तमाम सॉफ्टवेयर देखिए यहाँ से मिल जाएगा आपको। नेट पे सारे चीज़ें अवेलेबल होती हैं, बस खोजने की ज़रूरत है आपको, और आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या चीज़ खोज रहे हैं और उसका सही से आप फिटिंग करते हैं तो वो चीज़ आपको मिल ही जाएगा। चार्जेबल भी हो सकता है और फ्री भी हो सकता है। अब ये उस कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड रहता है क्या चीज़ आप ले रहे हैं। तो थोड़ा साफ़ सफाई कर दें इसका, कि साफ होना चाहिए थोड़ा बोर्ड उस एरिया में। तो ये तो हमारा बायोस मैंने कर दिया और चेक करते हैं एक बार फिर से। ये पावर इंजेक्ट करना है, देखिए पावर इंजेक्ट करते ही आपका ये बोर्ड ऑन हो गया तुरंत, क्योंकि ये मैंने बायोस निकाल रखा है इसका, बायोस बैटरी मैंने निकाल रखा है और तो डायरेक्ट ये ऑन हो गया। और डेल के बोर्ड में होता है ऐसा। और ये रैम मैंने नहीं लगाया, तो डिस्प्ले तो अभी आएगा नहीं। तो एक बार बंद करते हैं और रैम लगाते हैं और इसका स्पीकर भी लगाते हैं, देखते हैं अब क्या कंडीशन है ये। तो एक बार मैंने कनेक्ट कर दिया है स्पीकर, कनेक्ट कर दिया है, रैम भी लगा दिया है और देखते हैं। स्क्रीन तो अभी नहीं लगाया मैंने, अब ये ऑन हो गया बोर्ड मेरा और 0.380 mA लोड जा रहा है। मे बी शायद डिस्प्ले आ गया है कीबोर्ड में, देखते हैं कीबोर्ड में शायद डिस्प्ले आ गया हो। मैंने इसकी ये तो लगाया नहीं है स्क्रीन इसको,
तो स्पीकर लगाने पे स्क्रीन नहीं है तो 8 बीप का इंडिकेशन आना चाहिए, लेकिन ये नहीं आ रहा है। हो सके तो प्रॉब्लम होगा, देखते हैं। तीन अभी कीबोर्ड मैंने कनेक्ट कर दिया, डिस्प्ले नहीं आ रहा है और ये मेरा वेरिएशन कर रहा है। 350 से डायरेक्ट 550 जा रहा है, फिर ड्रॉप कर जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं और कुछ प्रॉब्लम मुझे लग रहा है ये। और ये 3 बीप का एरर आ रहा है इस टाइम, 1 1 2 3 4। 4 बीप का इश्यू जो आता है वो रैम से भी होता है और या उसकी पावर सप्लाई पावर कहीं मिसिंग होता है तो आता है। तो एक बार देखते हैं, रैम को रिमूव करके फिर से लगाएंगे, फिर देखते हैं क्या कंडीशन, कहीं रैम का ही तो इशू नहीं हो रहा है। देखते हैं, इसे एक बार कनेक्ट कर दिया हमने। ऑन नहीं हो रहा है, देखते हैं ऑन करके, शायद 10 बैटरी मैंने लगा दी हो इसलिए ऑन ट्रिगर नहीं हो रहा है। देखिए मैं ट्रिगर कर दिया, सॉरी ये ट्रिगर हो गया आपका। 10 बैटरी लगाने के बाद ये अपने से नहीं होता, एक बार तो हो जाता है, दोबारा वो आपको स्टार्ट करना पड़ता है। तो अभी भी देरिए आपका 300 mA से 0.299 है, 300 तक है mA पॉइंट। अभी इसने में डिस्प्ले तो नहीं आएगा, क्या इंडिकेशन इंडिकेट कर रहा है देखते हैं। शायद डिस्प्ले बन गया अपना, 3 4 5 6 7 8 ये डिस्प्ले आ चुका है और 8 बीप का मैसेज आ रहा है। तो आपको पता है कि ये स्क्रीन की वजह से आता है, तो स्क्रीन मैंने कनेक्ट नहीं किया है। आप देखेंगे ये आपका कीबोर्ड में लाइट आ चुका है, तो जो 4 बीप आ रहा था मेमोरी की वजह से ही आ रहा था, रैम मैंने साफ करके लगाया तो हो गया। चलिए एक बार स्क्रीन भी कनेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या स्क्रीन का ही सही है, तो आ जाना चाहिए। ये बोर्ड काफ़ी सेंसिटिव होता है, अपने पार्ट्स को ये खोजता है, पूरा पार्ट्स रहेगा तभी इसका पूरा वर्क कंप्लीट होता है। तो फिर से मैंने लगा दिया है स्क्रीन, लगा दिया ये जैक लगा दिया और फिर से ट्रिगर करना पड़ेगा मैनुअली, क्योंकि मैंने 22 बैटरी लगा दिया है तो ये मैंने ट्रिगर कर दिया। अब ट्रिगर हो गया, अब देखते हैं, स्क्रीन भी लगा दिया मैंने, कनेक्ट कर दिया है। अभी रेड डिस्प्ले आ रहा है, ये देखिए ये डिस्प्ले आपका आ चुका है। ओके फ्रेंड्स, डिस्प्ले आ चुका है आपका। तो बेसिकली इसमें डेड कंडीशन में था, डेड कंडीशन में था तो मैंने चेक किया, 19 वोल्ट पावर शास्त्री पे जनरेट हो रहा था, ऑलवेज पावर 3 वोल्ट और 5 वोल्ट भी मिल रहे थे। कस्टमर ने 7 बीप बताया था, मैं भी शायद उसको नहीं बता रहा हूँ जो दूसरा इशू रहा हो, लेकिन यहाँ पे मेरे यहाँ तो कोई और भी प्रॉब्लम नज़र आएगा। तो कभी कभी कस्टमर की कई चीज़ें गलत होती है फ्रेंड्स, उसके अकॉर्डिंग में अगर काम करता तो प्रॉब्लम होता। अभी ये डेड कंडीशन में ही था और इसमें बायोस का ही प्रॉब्लम था, तो बायोस को प्रोग्राम किया और ये आपका बात बन गया। तो कोई भी केस आता है आपके पास तो उस केस को पहले स्टडी करनी चाहिए, ना कि तुरंत उसके ऊपर काम करना चाहिए, तभी कंफर्म होता है। दोबारा वो प्रॉब्लम को आप आते ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या प्रॉब्लम है। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे और आप नॉलेज से अधूरे न रहें। आईटी से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं तो आपको नॉलेज मिलता रहेगा। ओके बाय।